बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता संग्राम की तपोस्थली, संकल्प स्थली, जो राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और योगदान की कहानी दोहराते हैं। ये भारत की सामरिक सहयोग और समन्वय का प्रमुख केंद्र भी है। पिछले 9 वर्षों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों के चहुमुखी विकास हेतु आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी, बंदरगाहों का विकास व विस्तार, बेहतर सड़क संपर्कता के लिए हाईवेज इत्यादि का निर्माण, ये सभी कदम यहाँ के लोगों के विकास और बेहतर भविष्य के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिससे भारत की विकास यात्रा में ये द्वीप समूह मजबूत भागीदार बनकर उभरे हैं। अंडमान एक ऐसी धरती है जहां पानी, प्रकृति, पर्यावरण, पुरुषार्थ, पराक्रम, परंपरा, पर्यटन, प्रबोधन और प्रेरणा सब कुछ है। देश में ऐसा कौन होगा जिसका मन अंडमान आने का नहीं करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं यशस्वी नेतृत्व में सकल भारत के समग्र विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें पिछले 9 वर्षों में विमानन क्षेत्र ने भी अभूतपूर्व प्रगति की है, जहां देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 2 गुनी हो गई है। वहीं क्षेत्रीय संपर्कता योजना उड़ान के अंतर्गत भी आज देश के Tier 2 एवं Tier 3 शहरों में रहने वाला सामान्य जन भी हवाई यात्रा से देश विदेश से जुड़ गया है। इसी दिशा में अंडमान और निकोबार में यात्री यातायात में निरंतर हो रही वृद्धि को देखते हुए लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन किया गया है, जिसमें नए टर्मिनल भवन का निर्माण एवं एप्रन का विकास शामिल है। लगभग 41,000 वर्ग मीटर में बना हवाई अड्डे का ये नया टर्मिनल भवन व्यस्ततम समय में 1200 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है, जो कि वर्तमान की क्षमता से 6 गुना अधिक है व प्रतिवर्ष 50 लाख यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम है। इस टर्मिनल भवन को 3 तलों में बनाया गया है, जहां 28 चेक इन काउंटर, 3 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, 3 कन्वेयर बेल्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही नए विकसित एप्रन से पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे में अब 6 से बढ़कर 10 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी। भवन का अग्रभाग केबल नेट ग्लेजिंग के माध्यम से लगभग 4,000 अलग अलग आकार के ग्लास पैनलों से मिलकर बना है, जिससे यह टर्मिनल प्राकृतिक रूप से प्रकाशित रहेगा। यहाँ के सुरम्य द्वीपों की समृद्ध जैव विविधता से प्रेरित पोर्ट ब्लेयर टर्मिनल भवन एक सीप के आकार की संरचना है, जो समुद्र और यहाँ के द्वीपों की सुंदरता को दर्शाती है। ये टर्मिनल भवन विभिन्न प्रकार की चित्रकलाओं से सुसज्जित है, जो इस द्वीप की संस्कृति, जीवन शैली, वनस्पति और जीव जंतुओं को दर्शाते हैं। इस नए टर्मिनल भवन के प्रारंभ होने से संपर्कता बेहतर होगी, जिससे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के उद्योग और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और मरीन क्षेत्रों को और भी बल मिलेगा। असीम संभावनाओं से भरे अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के सर्वांगीण विकास की दिशा में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन एक अहम भूमिका निभाएगा।